गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल विज्ञान सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली वोकैबुलरी का पार्ट नंबर 2। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये हमारे 4 ऑल कॉम्पिटेटिव लेवल पर बताया जा रहा है आपको। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो हमने कल के वीडियो में एग्जल्ट, डेडलॉक, मैडन आदि के बारे में देखा था। तो आज हम और लेकर आए हैं 5 वर्ड्स आपके लिए और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ से वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 नंबर का जो हमारे पास है वो है पिलग्रिम। 6 नंबर का जैसे कि आप देख सकते हैं पिलग्रिम। तो पिलग्रिम एक नाउन है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और पिलग्रिम का प्रोनाउंसिएशन यानी कि साउंड के लिए, साउंड में क्या कहते हैं इसे, पिलग्रिम कहते हैं। यदि इसका मीनिंग वाइज देखें तो मीनिंग यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, तीर्थ यात्री। तो ए पर्सन हु जर्नी टू ए सैक्रेट प्लेस, सैक्रेट का मतलब क्या होता है, पवित्र स्थान यानी कि पायस या होली या प्योर, इसके सिनोनिम्स कह सकते हैं हम। सैक्रेट प्लेस फॉर रिलीजियस रीजन यानी कि धार्मिक कारणों की वजह से कोई यदि जर्नी करता है वो भी पवित्र स्थानों पर, ठीक है ना। ए पर्सन यानी कोई व्यक्ति, तो उसे हम क्या कहेंगे, तीर्थ यात्री कहेंगे, पिलग्रिम कहेंगे। तो यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, ए पर्सन हु जर्नी टू ए सैक्रेट प्लेस फॉर रिलीजियस रीजन, तो उसका वन वर्ड आंसर क्या होगा, तो वन वर्ड में उसका आंसर होगा पिलग्रिम, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर मतलब क्वेश्चन बनता है वो वन वर्ड के रूप में बनेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा आपको कि एक 6 नंबर का वर्ड है हमारे पास पिलग्रिम। तो पिलग्रिम को हम क्या कहते हैं, पिलग्रिम कहेंगे हिंदी में। तो सिंपल सी बात है, इसको हम साउंड के रूप में पिलग्रिम कहेंगे, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका, पिलग्रिम होगा। और ये एक नाउन है, ठीक है ना, ये एक नाउन है, ये संज्ञा है, ठीक है। यदि हम इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है तीर्थ यात्री, क्या होता है, तीर्थ यात्री यानी कि ए पर्सन हु जर्नी फॉर सैक्रेड प्लेस फॉर रिलीजियस रीजन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं सैक्रेड को। अभी सैक्रेड क्या है, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, क्या होता है, पवित्र, ठीक है ना। तो हम इसको भी बता देते हैं आपको, तो सैक्रेड होता है पवित्र, सैक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। यदि सैक्रेड के कुछ सिनोनिम्स की बात करें, सैक्रेड के कुछ सिनोनिम्स की बात करें, इसका सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पायस या फिर होली या फिर प्योर, ये इनके कुछ सिनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। परंतु हम बात कर रहे थे पिलग्रिम की। तो पिलग्रिम के बारे में जैसे कि हमने बताया कि इसका प्रोनाउंसिएशन पिलग्रिम होता है, ये नाउन है, और इसका मतलब क्या होता है, तीर्थ यात्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल भी बताया गया है, द पाकिस्तान गवर्नमेंट गेव ए 1 ईयर परमिशन टू द पिलग्रिम, यानी कि सिंपल सी बात है कि इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान सरकार ने 1 ईयर का यानी कि 1 साल का परमिशन दे दिया है पिलग्रिम्स को, यानी कि तीर्थ यात्री को, कहाँ के लिए, उनके जो तीर्थ स्थल होते हैं उसमें जाने के लिए, ठीक है ना। पाकिस्तान में जो तीर्थ स्थल होंगे वहाँ पे तीर्थ यात्री को जाने के लिए 1 साल की परमिशन दे दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका हमने सेंटेंस बना लिया पिलग्रिम का। तो सिंपल सी बात है, पिलग्रिम का मतलब वहाँ पर क्या हुआ, तीर्थ यात्री हुआ, और इसे संज्ञा यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन पिलग्रिम होता है, और ये एक नाउन है, ठीक है। अब हम आते हैं 7th वाले वर्ड में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 7th वाला जो वर्ड है वो है कोलिशन। कोलिशन जैसे कि एक हमारा नाउन है, क्या हम बात कर रहे हैं कोलिशन के बारे में बात कर रहे हैं, 7th वाला जो वर्ड है कोलिशन, COALITION, ये है इसकी पूरी स्पेलिंग, ठीक है ना। तो कोलिशन है ये, और कोलिशन को हम प्रोनाउंसिएशन यानी कि साउंड वेव में क्या कहते हैं, कोलिशन ही कहेंगे, साउंड वाइज क्या कहेंगे हम इसे, कोलिशन कहेंगे। परंतु यदि हम इसकी बात करें मीनिंग वाइज, तो इसकी मीनिंग वाइज क्या होता है, मीनिंग वाइज इसका होगा गठबंधन, ओके। मीनिंग वाइज में क्या है इसका आंसर, गठबंधन। तो इसका अर्थ क्या होता है, गठ बंधन, ओके। तो ये हमारे पास जो कोलिशन शब्द है वो एक नाउन है, संज्ञा है। इसके कुछ सिनोनिम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलियंस, यूनियन, पार्टनरशिप, फेडरेशन,
एसोसिएशन, कंसोर्टियम, कोलिशंस। ओके, यहाँ पे हमने कोलिशन के बारे में जाना कि ये एक संज्ञा है और इसका मतलब होता है गठबंधन। इसके कुछ हमने सिनोनिम्स देखे जैसे कि अलायंस, यूनियन, पार्टनरशिप, फेडरेशन, एसोसिएशन, कंसोर्टियम, कोलिशंस। ओके, कुछ मेरे को भी लर्न हो गया अभी की अभी। एलियंस हुआ, यूनियन हुआ, पार्टनरशिप हुआ, एसोसिएशन हुआ, कंसोर्टियम हुआ, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको इन्हें लर्न करना पड़ेगा। अब हम बात करें एग्जांपल को लेकर, तो एग्जांपल है इसका, द टू पार्टीज हैव एग्रीड फॉर कोलिशन, यानी कि कोई दो पार्टी है वो एग्रीड हो गई है, यानी कि मान गई है फॉर कोलिशन, यानी कि गठबंधन के लिए, ठीक है ना। जो दो दल थे वो मान चुके हैं, गठबंधन के लिए सहमत हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो कोलिशन के कुछ सिनोनिम्स के बारे में बात करें, जैसे कि फेडरेशन हुआ। मैं बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ जिससे आपको लर्न हो जाए। यूनियन हुआ, पार्टनरशिप हुआ, और की बात करें जैसे कोलिशन, कोलिशंस हुआ। यदि हम और देखें तो और है एलियंस, ठीक है। तो ये हमने कुछ वर्ड देखे जो कि सिनोनिम्स हैं इनके, ठीक है ना, किसके, कोलिशंस के, सॉरी कोलिशन के, ठीक है ना, कोलिशन के। ओके, इसमें एक और वर्ड इम्पोर्टेंट होगा जो है कंसोर्टियम। ओके, तो ये भी एक वर्ड है, यानी कि कोलिशन का एक सिनोनिम्स है। तो सिंपल सी बात है कि ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें एग्जाम के लेवल से। ओके, तो अब हम आते हैं एट के अंदर, जो कि जिट्री। जिट्री जिट्री का मतलब होता है तनाव में होना या फिर बेचैन होना, ठीक है ना। हम देखते हैं जिट्री के बारे में, जो कि एट नंबर का है जिट्री। इसका यदि हम प्रोनाउंसिएशन देखें, साउंड वाइज देखें, तो इसको हम जिट्री कहेंगे, सिंपल सी बात है। यदि इसके बाद हम देखें इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग वाइज क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, इसका अर्थ होता है बेचैन होना। या फिर तनाव में होना, ठीक है ना, या फिर तनाव में होना। ओके, तनाव में होना। ओके, तो यहाँ हमने कुछ चीज देखी कि जो हमारे पास जिट्री है उसका मतलब क्या होता है, साउंड वाइज और मीनिंग वाइज। अब हम बात करें जिट्री की जो फॉर्म है उसको लेकर, तो जिट्री की जो फॉर्म होती है वो होती है एडजेक्टिव। ओके, तो जिट्री की जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी, एडजेक्टिव होगी, यानी कि विशेषण होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये विशेषता को बताता है, किसी भी नाउन की विशेषता को बता रहा है कि वो तनाव में है या फिर बेचैन है, तो इसीलिए ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। यदि हम इसके कुछ सिनोनिम्स को देखें, तो सिनोनिम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, नर्वस, टेंस, एंग्जियस, एजिटेटेड और वरीड, फिजिटी। सिंपल सी बात है, नर्वस का मतलब तनाव के अंदर होना, टेंस का भी मतलब तनाव में होना, एंग्जियस यानी कि बेचैन होना, एजिटेटेड यानी कि चिड़चिड़ापन होना या फिर गुस्सा होना, वरीड यानी कि चिंतित होना, फिजिटी यानी कि चिंतित होना। तो यहाँ पे हमने कुछ इनके सिनोनिम्स देखे, नर्वस जैसे कि, सेकंड था हमारा टेंस, तनाव में होना, इसके बाद हमने देखा वरीड, फिजिटी, गुस्से में होना या फिर चिड़चिड़ापन होना। तो ये हमने इनके कुछ सिनोनिम्स देखे, जैसे कि आप देख भी सकते हैं इसमें एक और वर्ड इम्पोर्टेंट है एजिटेटेड या फिर एंग्जियस, तो ये एंग्जियस भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और एजिटेटेड भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स के बारे में जाना, किसके बारे में, सिनोनिम्स के बारे में, किसकी सिनोनिम, जिट्री की सिनोनिम, जिसके अंदर नर्वस, टेंस, एंग्जियस, एजिटेटेड, वरीड और फिजिटी आते हैं, और जिट्री एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तनाव में होना या फिर बेचैन होना। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट जो कि सॉल्वेज। तो सॉल्वेज का यदि हम प्रोनाउंसिएशन देखें, तो सॉल्वेज का साल्वेज होता है, और ये एक नाउन है
या फिर इसका वर्ब के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। सालवेज का मतलब होता है बचाना या फिर बचाव कार्य करना, ठीक है ना। यदि हम इसका सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रेस्क्यू, रिकवर, रिट्रीव। ओके, तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे क्या देखा कि 9 नंबर का जो वर्ड था वो था हमारे पास सालवेज। इसका हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं यानी कि साउंड वाइज देखते हैं, तो इसको हम सालवेज ही कहेंगे, साउंड वाइज तो सालवेज कहते हैं। यदि हम इसका हिंदी अर्थ देखें यानी कि मीनिंग वाइज देखें, तो मीनिंग वाइज होता है बचाव कार्य करना या फिर बचाना, ठीक है ना। तो बचाव कार्य करना या फिर बचाना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ हमने इसके मीनिंग भी देख लिया, प्रोनाउंसिएशन भी देख लिया, परंतु अभी तक हमने इसकी फॉर्म के बारे में नहीं जाना, ठीक है ना। तो इसकी फॉर्म होती है एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव नहीं होगी, इसकी फॉर्म होती है नाउन, ठीक है ना। तो हम बात करें सालवेज की, सालवेज की जो फॉर्म होती है वो होती है नाउन। ओके, सालवेज की जो फॉर्म होगी वो होगी नाउन के रूप में यानी कि संज्ञा के रूप में, या फिर इसका वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। बचाना, तो जिसके अंत में ना आते हैं, जैसे अधिकांश शब्द के अंत में ना आता है, तो कम अधिकांश शब्द ऐसे होते हैं जो वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो जिसके लास्ट में या फिर अंत में ना आता हो, जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, इनके सबके शब्द में लास्ट में ना आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इनको वर्ब के रूप में यानी क्रिया के रूप में उपयोग करते हैं, परंतु अधिकांश शब्दों को किया जाता है, सब शब्दों को, सभी शब्दों को नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने सालवेज के बारे में जाना कि सालवेज एक नाउन या वर्ब है, इसका प्रोनाउंसिएशन सालवेज होता है और इसका अर्थ होता है बचाना या फिर बचाव कार्य करना। अब यदि हम बात करें कि इसके कुछ सिनोनिम्स के बारे में जाने, सिनोनिम्स होते हैं इसके रेस्क्यू, रिकवर, या फिर रिट्राइव, रिट्रीव, ठीक है ना, रिट्रीव। ओके, तो ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, रेस्क्यू, रिकवर और रिट्रीव। ओके, तो यहाँ पे हमने सालवेज के बारे में भी जान लिया। अब हम आते हैं मल, जो कि लास्ट वाला वर्ड है हमारा, मल। मल एक वर्ब है और इसका प्रोनाउंसिएशन मल होता है, जिसका मतलब होता है विचार करना, जैसे कि आपको यहाँ से पता चल गया होगा सिनोनिम्स से। तो सिनोनिम्स में जैसे कि हमारे कंसिडर्ड आता है, परयूज आता है और पॉन्डर आता है। तो सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास मल शब्द है उसका मतलब होता है विचार करना, मीनिंग वाइज की बात कर रहे हैं हम, तो मीनिंग इसका होता है विचार करना। और यदि हम बात करें कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मल, और ये एक वर्ब है, ठीक है ना। तो ये एक वर्ब है जैसे कि बता दिया गया है। अब यदि हम इसे कुछ सिनोनिम्स की बात करें, तो इसका सिनोनिम्स है कंसिडर्ड, कंसिडर ही तक लिख देते हैं हम, तो कंसिडर इसका सिनोनिम में आ जाता है, और पर यूज, वंडर। सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास मल के कुछ सिनोनिम्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मल के बारे में भी बात कर लिया है। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, द इंडियन रेलवेज इज मलिंग टू बाय कोचेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो हमारे पास भारतीय रेलवेज है वो विचार कर रही है इसके ऊपर, खरीदने के ऊपर, जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के जो कोचेज होते हैं उनको खरीदने के ऊपर विचार कर रही है भारतीय रेलवे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमने मलिंग शब्द देखा, जिसमें मल शब्द आ रहा है, तो मल का मतलब होता है विचार करना। तो जिटरी का भी एक एग्जाम्पल है जो हम ऊपर भूल चुके हैं, तो सिंपल सी बात है हम दोबारा यहाँ पे बता देते हैं जिटरी के बारे में। जिटरी एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब होता था तनाव में होना या फिर बेचैन होना, जिसमें हमने सिनोनिम्स के बारे में देखा, नर्वस, टेंस, एंग्जियस, एजिटेटेड, वरीड या फिजिटी। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एक एग्जाम्पल था, स्टूडेंट्स फील जिटरी बिफोर द एग्जाम, यानी कि छात्र कैसा महसूस करते हैं एग्जाम से पहले, वो तनाव में रहते हैं, तनाव महसूस करते हैं यानी कि जिटरी महसूस करते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा
यहाँ का स्लाइड भी कंप्लीट होता है। इसी स्लाइड में अभी तक हमने क्या देखा, इसी स्लाइड में जैसा कि आप देख सकते हैं कोलिशन के बारे में जाना, जिसमें नाउन था ये, जिसका मतलब होता था गठबंधन। इसके कुछ सिनोनिम्स के बारे में यहाँ पे बताया गया, एलियंस, यूनियन, पार्टनरशिप, फेडरेशन, एसोसिएशन, कंसर्टियम और कोलिशंस। ओके, यहाँ पे जिट्री के बारे में बताया गया, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तनाव में होना या फिर बेचैन होना, जिसका सिनोनिम्स आप देख सकते हैं नर्वस, टेंस, एंग्जियस, एजिटेटेड, वरीड और फिजिटी। जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्टूडेंट फील्स जिट्री बिफोर द एग्जाम, यानी कि जो हमारे पास छात्र होते हैं वो महसूस करते हैं एग्जाम से पहले तनाव में, तनावपूर्ण महसूस करते हैं, ठीक है ना। साल्वेज, साल्वेज जो एक नाउन है या फिर वर्ब के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, जिसका मतलब होता है बचाना या फिर बचाव कार्य करना। सिंपल सी बात है कि इसके सिनोनिम्स होते हैं रेस्क्यू, रिकवर और रिट्रीव। ओके, यदि हम बात करें मल की, तो मल भी एक वर्ब है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसका मतलब होता है विचार करना। प्रोनाउंसिएशन में इसका मतलब होता है मल, और इसके कुछ सिनोनिम्स हैं कंसिडर, परयूज और पोंडर। इसका एग्जाम्पल भी बताया गया कि जो भारतीय रेलवे है वो विचार करती है खरीदने के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के जो डब्बे होते हैं उनको खरीदने के ऊपर विचार करती है, यानी कि कर रही है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मलिंग यानी कि मल शब्द प्रयुक्त हुआ, जिसका मतलब होता है विचार करना। तो यहाँ वाली ये भी स्लाइड खत्म होती है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर कमेंट के अंदर देना है। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जिट्री, जिट्री का क्या होता है, रेस्क्यू होगा या फिर कंसिडर्ड होगा या फिर सिक्योर होगा या फिर टेंस होगा। मैडन का क्या होगा, रिजोइस, इनिशियल, कन्फर्म, सेटल, इनमें से कौन सा होगा। क्लिंच का कौन सा होगा, यदि एग्जल्ट की बात करें तो इसमें से कौन सा होगा, ए बी सी डी में से। फिफ्थ का जो हमारे पास है कोलिशन, इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा होगा, एलियंस होगा या फिर नर्वस होगा या रिजोइस होगा या फिर एंग्जियस होगा। तो ये इसमें आपको बताना है कि फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर क्या है, थर्ड का आंसर क्या है, फोर्थ का आंसर क्या है एंड फिफ्थ का आंसर क्या है। प्लीज आप देखिएगा मत। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए थैंक्स।